फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। तो मान लो थ्री नंबर्स को हम वेरिएबल्स के टर्म्स में ले लेते हैं, ए बी एंड सी। तो अब ये क्या है, ये तीन है, ठीक है। अब तीनों में हमको कंपैरिजन करके बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन है। तो अब ये सारा चीज़ तो यूज़र इनपुट करेगा, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। तो हम लोग को कोडिंग इस तरह से लिखना है कि जो भी यूज़र वैल्यू इनपुट करे उसको कैल चेक करके मेरा वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट ही प्रिंट हो। तो कोई भी कोडिंग आप शुरू करते हो, उससे पहले आप उसे कैलकुलेशन पार्ट देख लो कि हमको करना क्या एग्जैक्टली उसमें। जब आपको कैलकुलेशन पार्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आप कोडिंग ईजिली लिख पाओगे, ठीक है, यानी उसका लॉजिक पार्ट। तो आओ इसका लॉजिक देख लेते हैं, ठीक है। ओ मान लो कि यहाँ पे मेरा तीन वेरिएबल है, जैसे हमने वहाँ देखा था ए बी एंड सी, ठीक है, तीन वेरिएबल है। अब मान लो तीन वेरिएबल तीन दोस्त की तरह, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है और ये एक लड़का है, तीनों दोस्त हैं। अब इनको पता करना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन है। वो कैसे पता चलेगा, आपस में बात करेंगे तभी पता चलेगा, यानी आपस में कंपैरिजन करेंगे तभी पता चलेगा। तो मान लो कि ए और बी, ए गया बी के पास और बोला कि भाई तेरा एज क्या है, तो बी कुछ बताया एज, ए कुछ बताया एज, तो दोनों में कंपेयर हुआ, पता चला अच्छा, ए बोला कि अच्छा यहाँ तो हम बड़े हैं। तो ये क्या हुआ कि ए बी के पास गया और कंपेयर किया, और इन दोनों का कंपैरिजन में ए को ये पता चला कि हम बड़े हैं। जब इन दोनों में से ये बड़ा है तो अब सी से किसको कंपेयर होना चाहिए ग्रेटेस्ट के लिए? ऑब्वियस सब बात है, जो इन दोनों में से बड़ा होगा वही सी के पास जाके पूछेगा कि भाई तेरा एज क्या है, ये तो पहले ही हार गया बी। तो अब ए जाएगा सी के पास और पूछेगा भाई तेरा एज क्या है। तो जब ये पूछेगा सी से, सी अपना कुछ एज बताएगा और ए अपना कुछ एज बताएगा। तो अगर इन दोनों में से पता चला अच्छा, ए को पता चला हम ही बड़े हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे, ए इज़ ग्रेटेस्ट। अब दूसरा सिनेरियो मानो कि इस तरह से हुआ, यहाँ पे भी ले लो ए बी और सी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए बी के पास गया, ठीक है, पहला सिनेरियो सेम है कि ए बी के पास गया, उसका एज पूछा, पता चला ए बड़ा है। अब क्या हुआ कि ए जब सी के पास गया और पूछा भाई तेरा एज क्या है, तो पता चला सी बड़ा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एक बात सोचो कि अगर सी ए से बड़ा है तो बी से भी बड़ा हो गया क्या, सोचो। ऑब्वियस बात है, वो ए से बी से भी बड़ा हो गया, कैसे, क्योंकि ए ऑलरेडी बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है और इससे बड़ा ए है, तो ऑब्वियस बात है सी बड़ा हो गया। यानी इस कंपैरिजन में हमको क्या पता चला कि सी इज ग्रेटेस्ट। ये वाला समझ में आया, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो मानते हैं, तीसरा सिनेरियो फिर से ले लेते हैं, ए है बी है और सी है। अब तीसरा सिनेरियो क्या बोलता है कि ए बी के पास गया, ठीक है, ए बी के पास गया, कंपेयर किया, बोला कि कौन बड़ा है भाई, एज बता अपना, हम भी अपना एज बताते हैं। इसमें पता चला कि बी बड़ा है, ए छोटा हो गया। अब बताओ जब बी बड़ा है तो सी के पास कौन कंपेयर होने आएगा, बी ही कंपेयर होने आएगा, ए तो छोटा हो गया। तो बी जाएगा सी के पास और क्या बोलेगा कि भाई तेरा एज बता, तो पता चलेगा कि क्या बी बड़ा है, अगर मान लो बी और सी में से बी बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या ग्रेटेस्ट हो गया, बी ग्रेटेस्ट हो गया। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना सारा स्टेप्स करना पड़ेगा, कैसे होगा, उस चीज़ का टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, ये बहुत ही छोटा स्टेप।
ठीक है, वो हम लोग जब कोड करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो इसमें क्या हो गया कि मेरा बी बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और केस हो सकता है कि ए और बी में जब कंपेयर हुआ और बी बड़ा हुआ, और बी और सी में अगर हम कंपेयर करते हैं, और इस केस में हम बोलते हैं कि नहीं सी बड़ा हो गया, तो यहाँ पे कौन बड़ा हुआ? सी बड़ा हो गया। इसको मैं अलग से नहीं लिख के इसी में लिख दे रहा हूँ, ये सी थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा, पर आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो पहला सिनारी क्या हुआ, ए और बी आपस में बात किया, पता चला कि नहीं बी बड़ा है, तो जब बी बड़ा है तो बी ही सी से कंपेयर होने आएगा, ए तो आएगा नहीं। तो बी गया सी के पास, पूछा भाई तेरा एज क्या है, तो पता चला भाई हम बड़े हैं, बी बड़े हैं। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि बी सी के पास गया और पता चला नहीं भाई ये तो सी बड़ा है, तो सी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये भी देख सकते हो कि हम लोग का टोटल कितना इफ़ कंडीशन चल सकता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कितना इफ़ कंडीशन चलता है, चल सकता है, ये भी हम लोग गेस कर सकते हैं। जैसे ए है, बी है और सी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो कंपैरिजन के हिसाब से होता है कि कितना कंपैरिजन है उतना ही इफ़ कंडीशन चलेगा। तो एक कंपैरिजन क्या था, ए और बी का, ठीक है, चाहे वो येस हो रहा है या नो हो रहा है वो हम नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन क्या था, ए और सी का, ठीक है, ये दोनों आपस में कंपेयर हो गया, ये दोनों आपस में कंपेयर हो गया, कौन सा कंपैरिजन बचा, बी और सी का, ये कंपैरिजन बचा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, कंपैरिजन यानी कि इफ़ कंडीशन। तो मेरा एक इफ़ कंडीशन तो ये है ए और बी के बीच का, दूसरा इफ़ कंडीशन मेरे ए और सी के बीच का है, और तीसरा इफ़ कंडीशन मेरा बी और सी के बीच का। तो ये तीन मेरा इफ़ कंडीशन आएगा और उसी का हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है, ये समझ गए आप लोग। चलो इसको कोड करते हैं, चलिए इसको कोडिंग से समझते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं int ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, फिर clr scr, उसके बाद printf लिख देते हैं, एंटर थ्री नंबर्स या स्लैश एन दे देते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनपुट करा लेते हैं स्कैन एफ से, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी कॉमा एम परसेंट सी, तीनों को ले लिया। अब क्या करते हैं, अब हम लोग को अपना कंडीशन लिखना है, सारा कुछ इनपुट करा लिया, अब हम लोग अपना इफ़ कंडीशन लिखेंगे। तो इफ़ कंडीशन हम लोग उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम लोग अभी समझे थे। तो हम लोग ने क्या देखा था कि पहले ए बी से कंपेयर हो रहा है, फिर अगर ये ट्रू होता है यानी कि ए अगर बड़ा होता है तो फिर ए सी से कंपेयर हो रहा था, ठीक है। तो इसी को लेके चलते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो इसका ट्रू केस इसके अंदर लिखाएगा। अगर ए बी से बड़ा होता है तो क्या होता था, ए जाएगा अब सी के पास कंपेयर होने कि भाई अपना एज बताओ, तुम मेरे से बड़ा है कि छोटा है वो बता दे। अगर पहला केस में हम लोग क्या देखे थे कि ए सी से बड़ा होता है, तो सी से बड़ा होगा अगर तो क्या करेंगे, ए इज़ ग्रेटेस्ट प्रिंट करेंगे, ये तो हो गया मेरा ये केस कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो यहाँ आया, अब ए किससे कंपेयर होने आया, सी से कंपेयर होने आया, सी से कंपेयर हुआ तो पता चला चलो ए बड़ा है। अब ऐसा होता है कि नहीं ए सी से बड़ा नहीं होता, सी बड़ा हो जाता, तो सी बड़ा हो जाता तो क्या होता, एल्स,
प्रिंट एफ सी इज ग्रेटेस्ट। अभी आप बोलोगे कि बी से तो कंपेयर किया नहीं, कैसे लिख दिया? तो हम लोगों ने क्या देखा था, पहले उसमें देख लेते हैं फिर इसमें देखेंगे, कि ए बी से कंपेयर हुआ, इसमें पता चला क्या हुआ कि ए बड़ा है। जब ए बड़ा है तो ए गया सी के पास कंपेयर होने, और इसमें पता चला कि सी बड़ा है ए से, और अगर सी ए से बड़ा है तो ऑब्वियस से बात है बी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी से तो ए बड़ा है ही, और जब बी ए से बड़ा और इससे बड़ा ये है तो सी ही बड़ा हुआ। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट सी इज़ ग्रेटेस्ट। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ए अगर बी से बड़ा है, ठीक है, ए अगर बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा नहीं होता, यानी कि सी ए से बड़ा हो जाता है, तो क्या होगा कि सी ए से बड़ा है तो बी से भी बड़ा हो जाएगा, कि ए ऑलरेडी उससे बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया कि अगर सी ए से बड़ा है तो सी इज़ ग्रेटेस्ट। ठीक है, इस इफ़ का एल्स हो गया, बट इस इफ़ का अभी एल्स हम लोगों ने नहीं लिखा, तो इस इफ़ का एल्स लिखते हैं, एल्स एल्स लिख देते हैं और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है, लेकिन ए कंडीशन अगर फॉल्स हो गया, यानी कि एल्स में आएगा जब, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी बड़ा हो गया। तो जब बी बड़ा हो गया ए से, तो बी अब किसके पास आएगा कंपेयर होने? सी के पास आएगा कंपेयर होने, इफ़ बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, और वह सब बात है ना भाई, अगर बी ए से बड़ा हो गया तो बी सी के पास आएगा कंपेयर होने, कि भाई तुम बता कि तुम बड़ा है कि हम बड़े हैं, दोनों एज को कंपेयर करेगा अपना। तो प्रिंट एफ बी इज ग्रेटेस्ट, ये हो गया। ठीक, ये तो ये ट्रू हुआ था। अगर ये फॉल्स हो गया तो, यानी कि इस कंडीशन में सी अगर बी से बड़ा हो गया तो क्या होगा, यानी कि एल्स, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि अपन को दिखे, प्रिंट एफ सी इज ग्रेटेस्ट। फिर से वही चीज़ है कि अगर सी बी से बड़ा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ए से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है, ए से बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हुआ, मतलब कि ए ग्रेटर नहीं, यानी बी ग्रेटर है, बी ग्रेटर है तो इसके पास आया, सी से कंपेयर किया, पहला केस में देखा कि बी बड़ा है सी से तो बी इज़ ग्रेटेस्ट हुआ, दूसरे केस में देखा कि नहीं ये भी फॉल्स है तो क्या हुआ, सी इज़ ग्रेटेस्ट हुआ। ठीक है, तो यही हम लोग का लॉजिक है इतना सारा, देख लो। अब हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, गेट सी एस लिख देते हैं स्क्रीन होल्ड करने के लिए। जैसे हम लोगों ने देखा था कि कितना इफ कंडीशन रहेगा, देखो यहाँ पे तीन इफ कंडीशन है, एक दो और तीन, हम लोग ने उसमें भी देखा था कि तीन इफ कंडीशन आ रहा था। देखो यहाँ साइड में एक दो और तीन है, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन, दूसरा इफ़ कंडीशन, तीसरा इफ़ कंडीशन, और ये हम लोग का जो प्रोसेस है जो हम लोग इफ़ एल्स यूज़ किए हैं सर। होप आप लोग को समझ में आया होगा ये कैसे हुआ। आओ इसको रन करके देखते हैं अब कि हमारा ठीक से रन हो रहा है, आंसर सही आ रहा है या नहीं। कंपाइल कर लेते हैं, ज़ीरो एरर, रन करते हैं, एंटर थ्री नंबर्स, मान लो डाल देते हैं कि सबसे पहले केस में हम ए को बड़ा रखते हैं, तीनों के लिए रन करते हैं पहले, 20, 15 और 10। तो आप लोग ऑर्डर याद रखना, पहले ए है 20, बी है 15, सी है 10। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए इज़ ग्रेटेस्ट, देखो 20 बड़ा था तो ए इज़ ग्रेटेस्ट प्रिंट हुआ। अब दूसरा रन हम लोग करते हैं,
दूसरी बार हम लोग रन कर लेते हैं, तो इस बार हम लोग बी को बड़ा रखते हैं, यानी कि 15, 20 और 10, हम लोग को बी आना चाहिए। देखो बी इज़ ग्रेटेस्ट आ रहा। अब हम लोग तीसरा रन करते हैं जिसमें हम लोग सी को बड़ा रखते हैं, तो हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग का तीनों केस के लिए सही आ रहा आंसर। तो इसमें हम लोग लिखते हैं 10, 15 और 20। देखो सी इज़ ग्रेटेस्ट आ रहा है, तो हम लोग का तीनों चीज़ के लिए हम लोग का सही आंसर आ रहा है। तो ये है आप लोगों का ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स का कोडिंग। आप इसको यहाँ पे सिंपलीफाई कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, यानी कि ये जो एल्स के अंदर मैंने इफ और एल्स लिखा है आप उसको सिंपलीफाई कर सकते हो। उसको भी कर देता हूँ, आप ये भी लिखोगे तो पूरा सही है, कोई गलत नहीं है। अगर आप इतना पे ही छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, या फिर मॉडिफाई करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ क्या मॉडिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओ एल्स के इसमें ये कर दो, हाँ ये कर दो, यानी कि ये इफ है, उसके बाद इसका एल्स और इफ आया, यानी कि अगर ये फॉल्स हुआ तो दूसरा एल्स आया, इफ कंडीशन आया, और अगर ये फॉल्स हुआ तो उसका एल्स ये है। ठीक है, आप इस तरह से भी रन करके देख सकते हो, इसमें भी आपका सही आंसर आएगा। मान लो 16, 18, 45, सी इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो आपका इसमें भी सही आंसर आएगा। तो यही था आज का कोडिंग, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आप लोग और ट्राई करो। प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग फोर नंबर्स, इसको भी आप लोग ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो, फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।